देखिए मैं आज ना आप लोगों के साथ दो चार दिन के बाद वीडियो शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं दीदी घर से आई थी, उसके बाद मेरा तबीयत खराब हो गया था। मेरा क्या, मेरा बच्चा सबका, मेरा अपने हस्बैंड का, सबका ही तबीयत खराब हो गया था, क्योंकि यहाँ वहाँ का पानी हो गया और पानी चेंज होने से तो एक बार बच्चा सबका तबीयत खराब होता ही है, और इस बार बच्चा के साथ सब बड़ों का भी हो गया है तबीयत खराब। तो अभी सब कोई ठीक है, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। और मुझे ना आज बहुत ज़्यादा ही चाट खाने का मन कर रहा था, तो मैं घर में जो जो सामान है उसी से चाट बना रही हूँ। तो चलिए मैं की रेसिपी शेयर करूँगी, तो वीडियो में बने रहिए, चलिए बनाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने एक बर्तन ले लिया है और अब मैं उसमें एक कटोरी मटर ले रही हूँ। आप लोग को जितना चाहिए उतना ले लीजिएगा। तो देखिए मैंने ले लिया है मटर, और मैं अब इसको दो तीन बार अच्छे से वॉश कर लूंगी। और इसको अच्छे से मसल मसल के धोऊंगी, क्योंकि इसके ऊपर से बहुत ही पाउडर टाइप का निकलता है। तो देखिए मैंने अच्छे से मटर को वॉश कर लिया है, अब मेरा मटर डूब जाए उसके ऊपर तक पानी दे देती हूँ इसको खुलने के लिए, और इसको मैं 5 से 6 घंटा के लिए ढक के रख दे रही हूँ। तो देखिए 5-6 घंटा हो गया है और मेरा मटर कितना अच्छा से फूल चुका है। तो मैं अब इसको कुकर में 3 सीटी लगा लूँगी। जब तक मेरा मटर उबलेगा तब तक मैं बाकी के बचे हुए काम कर लेती हूँ। तो देखिए इधर मैंने कुकर में चढ़ा दिया है, और मेरा ना उधर से आने के बाद बहुत ज़्यादा कपड़ा हो गया था, उस सब मैं धोई नहीं थी, तो सब कपड़ा मैंने धो लिया है। अब मैं सबको अच्छे से आयरन करके अलमारी में रख दूँगी। मुझे इतना अच्छा से नहीं आता है, तब मैं काम चलाऊ कर लेती हूँ। तो देखिए सारे कपड़े मेरे हो गए हैं आयरन किए हुए, तो मैं अब इसको रख दूंगी। और तब तक देखिए मेरे बाबू भी सो के उठ गई है, और ये दिन में ही सोई थी तो अभी उठ रही है 6 बजे शाम के टाइम। और ये जब सो के उठती है ना तो बहुत ज़्यादा नाटक करती है, गोदी से उतरेगी नहीं, गोदी में ही रहती है, कुछ देर के बाद फिर खेलने लगेगी। ये देखिए मुकुंद टीवी देख रहा है। और इधर मैंने शाम को जो बर्तन धोए थे वो सब मैंने स्टैंड में नहीं रखा था, तो मैं सोच रही अभी रख लेती हूँ। अभी देखिए मेरे कुकर में 3 सीटी हो गया है, अब इसको उतार लेते हैं। और ये देखिए मेरा मटर कितने अच्छा से पक गया है, सब छिलके इसको उतर गए हैं। और मैं अब जीरा को थोड़ा सा भून ले रही हूँ, क्योंकि मैं इसका भुना हुआ जीरा पाउडर बनाऊंगी, और ये चाट में बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। देखिए जीरा मेरा भून गया है, इसका मैं पाउडर बना लूंगी।
तो देखिए मैंने चाट बनाने के लिए यहाँ पर सारे मसाले ले लिए हैं। तो इसमें मैंने भुना हुआ जीरा पाउडर भी लिया है पाउडर और चाट मसाला पाउडर, और यहाँ पर मैंने चाट का सेवई ले लिया है और मिर्चें काट लिया है मैंने कुछ, और इधर मैंने एक बड़े साइज के प्याज भी काट लिया है। तो चलिए, और ये तो है, ये है इधर मेरा मटर, क्योंकि मैं मटर चाट बना रही हूँ। तो अब मैं इसको आप लोग को सर्व करके दिखाती हूँ। और मैं देखिए दोने में सर्व कर रही हूँ, क्योंकि मुझे ठेले वाले का जैसा ही टेस्ट चाहिए इसीलिए। तो देखिए मैं अब इसमें मटर डाल रही हूँ, और बिल्कुल वैसे ही फील होगा कि जैसे मैं बाहर में खा रही हूँ, और टेस्ट भी बिल्कुल वैसे ही है। आप लोग भी इस तरह से बना के जब भी चटपटा खाने का मन करे ज़रूर बना के खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और एकदम सिंपल है, कोई झमेला नहीं इसमें। देखिए मैंने चारों प्लेट में मटर डाल दिया है, मैं अब उसके ऊपर डालूंगी प्याज। तो मैंने प्याज डाल दिया है, देखिए और मैं अब डाल दे रही हूँ इसके ऊपर जो चाट के लिए पतला सेवई आता है वो। तो देखिए मैं अब मेरे और मेरे हस्बैंड के चाट में ही मैं मिर्चाई डाल रही हूँ, बच्चों के चाट में मिर्चाई नहीं डालूंगी क्योंकि बच्चे तीखा नहीं खाते हैं इसलिए। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ भुना हुआ जीरा पाउडर। आप लोग को मिर्च पाउडर पसंद हो तो मिर्च पाउडर भी डालिए, उनको नहीं पसंद है चाट में इसलिए नहीं डाल रही हूँ, मुझे हरी मिर्च अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर जीरा पाउडर डाल दिया है, और मैं अब डाल रही हूँ आमचूर पाउडर, और आमचूर पाउडर से चाट का टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है, मानिए कि आमचूर पाउडर के बिना तो चाट का टेस्ट ही नहीं आएगा। उसके बाद देखिए मैं थोड़ा थोड़ा चाट पाउडर डाल दे रही हूँ ऊपर से, और नमक मैं नहीं डालूंगी क्योंकि मैंने मटर को बॉईल करते समय ही नमक हल्दी इसमें डाल दिया था, तो नमक मेरा ठीक है। तो अब मैंने डाल दिया, और ये देखिए मैं चम्मच भी रखी हूँ चाट वाला के जैसे ही। तो देखिए चाट मेरी बनकर बिल्कुल तैयार हो गई है, और कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो चलिए अब इसको खाते हैं। और मैं अभी यहाँ पर परी को खिला रही हूँ, लेकिन इसका तबीयत खराब हो जाने के चलते ये कुछ भी खाना ही नहीं चाह रही है। ऐसे तो पहले नहीं खाती थी, लेकिन तबीयत खराब के चलते और नहीं खाना चाह रही है। और इधर देखिए हम खा रहे हैं, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बेटा। और ये आप लोग के लिए, प्लेट में जो रखा हुआ है वो परी खाई नहीं हुई है। तो अभी हम लोग खा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोग से।
तो देखिए सामने से इस तरह से लग रही है मेरी चाट, और इसमें चाट मसाला, अमचूर पाउडर, सारे मसाले मिलने के, जीरा पाउडर मिलने के बाद इसका और टेस्ट बढ़ गया है और एक बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रही है। तो आप लोग एक बार इस तरह से बना के ज़रूर खाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी आप लोग को भी, बिल्कुल चाट वाले के जैसे ही बनी है। और मैं यहाँ देखिए ऊपर से और थोड़ा सा सेवई डाल दे रही हूँ, उसके बाद खाऊंगी। अभी हो गए हैं देखिए रात के 10:30 और हम लोग खाना वाना खा लिए हैं, उसके बाद अब जा रहे हैं सोने। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, गुड नाइट बोलो, बोले बोलो गुड नाइट। छुप गई है, कहाँ छुपी होती।